तो दोस्तों आज फिर से एक मार्केट में इंट्राडे बड़ा क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ कोविड न्यूज कि कोविड का न्यूज आया उसके ऊपर से मार्केट ने आज बहुत ही बड़ा क्रैश किया है। एक कवर होते हुए मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ है। तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कल जैसे कि वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी में भी क्या रेंज हो सकते हैं मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आपको बताऊंगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक ग्रोथ बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 22 दिसंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बाई निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले 24 तारीख को हमारा एक फ्यूचर ऑप्शन का एक फ्री वेबिनार है जहाँ पे आप मेरे साथ 2 घंटा फ्यूचर ऑप्शन सीख सकते हो। आपके ज्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके आप वो लिंक पे रजिस्टर कीजिए और सैटरडे को मेरे साथ फ्यूचर ऑप्शन सीखिए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो कि निफ्टी से। तो जैसे कि आज कोरोना के जो कि न्यूज था जो कि वर्ल्ड में फैल रहा है और हमारे इधर भी खतरा बन सकता है, इसलिए हमारे मार्केट ने पहले ही एक रिएक्शन दिया और एक जबरदस्त नेगेटिव रिएक्शन दिया। कुछ हम लोग पैटर्न देखेंगे कि मार्केट जब भी ऐसे टॉप पे रहता है, अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट एक टॉप पे है और ये जो कैंडल आ रहे हैं जो है कि सिग्निफिकेंट सेलिंग कैंडल आते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है वो देखेंगे। क्या कोविड की वजह से फिर से मार्केट और क्रैश होगा? आज का जो क्रैश था एक्चुअल क्रैश नहीं है, मार्केट जो कि डाउन हो गया। क्रैश तो इंट्राडे में हुआ था और क्रैश होना क्या होते हैं जैसे कि हमने लास्ट जो कि कोविड में देखा था, क्या वैसे ही क्रैश हो सकता है? या फिर उसके पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम ऐसे कुछ कैंडल्स आए थे जो कि टॉप के ऊपर, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ 2000 जैसे कि 15 में आए थे और 2018 में भी। तो मैं कुछ आपको वो कैंडल भी दिखा देता हूँ, हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2015 में मार्केट बहुत अच्छी तरह टॉप पे था और जैसे कि टॉप पे देखिए ऐसे बड़े बड़े कैंडल आना शुरू हुए, उसके बाद एक मार्केट में अच्छी तरह करेक्शन हुआ था। एक कैंडल के ऊपर मार्केट बहुत जल्दी गया नहीं, बहुत देरी के बाद गया, लेकिन उसके पहले एक बड़ा मार्केट ने करेक्शन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट जैसे कि मैं आपको बताऊंगा 2018 में कुछ ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि एक मार्केट बहुत अच्छे टॉप पे था और ऐसे बड़े बड़े जो नेगेटिव कैंडल आना शुरू हुए, तो मार्केट इसके ऊपर गया नहीं और मार्केट में करेक्शन हुआ। तो ऐसा ही कुछ अभी करंट में यहाँ पे मार्केट में चल रहा है कि मार्केट जैसे कि यहाँ पे बहुत ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जो है कि ये सिग्निफिकेंट कैंडल आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े हैं। लेकिन क्या मार्केट में बड़ा करेक्शन हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कोरोना को ऑलरेडी हमने फेस किया है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो एक ही जो है कि न्यूज रहता है उसके ऊपर मार्केट इतना बड़ा करेक्शन नहीं करता है। आज का इंट्राडे करेक्शन हम लोग छोड़ेंगे तो अगर हम डेली में करेक्ट हो सकते हैं क्या, तो वो जो एक लेवल मैंने बताया था ऑलमोस्ट 18,130 के आसपास ये जो आता है जो है कि एक बड़ा सपोर्ट मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो। लेकिन आज हमने देखा तो आज अगर आप इंट्राडे देखो तो मार्केट ने जो है कि ये जो रेंज था मैंने आपको पहले ये बताया था 1-2 दिन पहले, और ये जो कंटिन्यूस था जैसे कि ये इन्वर्टेड हैमर आया उस दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका अगर हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है तो ये पॉजिटिव है और लो ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे मार्केट ने आज दोनों तरफ जो है कि दाव खेला, ऊपर की तरफ ब्रेक करने को गया था लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया मार्केट को और कोविड का भी न्यूज आया, तो ये जो लो था उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करता है और 18,129 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है हमारे लिए। नीचे 17,840 का एक गैप है, यहाँ तक भी मार्केट आराम से आ सकता है और आज का आपने गिरावट देखा होगा तो ये जो लेवल है तो एक दिन में भी आ सकता है। तो कोविड का जो न्यूज है मार्केट के लिए निगेटिव है क्योंकि ये सबने हमने एक्सपीरियंस किया कि कोविड में क्या होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमको लेवल देखने कि कल 18,129 जो लेवल है इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया और नेगेटिव है, तो हम लोग मार्केट को पॉजिटिव कभी समझेंगे कि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो 18,252 ये जो लेवल ब्रेक किया है उसके ऊपर अगर कल क्लोज होता है और आज के कैंडल के नीचे नहीं जाता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव होगा। बट हमको पॉजिटिव ट्रेड लेना है या फिर मार्केट के बारे में पॉजिटिव हुआ तो ये लेवल जो है 18,443 ये जो लेवल है जो कि इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज होगा तभी आप थोड़ा सा एक एग्रेसिव सा बाइंग ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता तभी तक हमको बाइंग के लिए सोचना नहीं है। अगर मार्केट फर्दर क्रैश होता तो क्या हो सकता है? तो जो लॉन्ग टर्म में बैठे
उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या नवीन लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिलीवरी बेस लेना है तो वो पोजीशन के लिए आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा स्टेबल होने के बाद ले सकते हैं। इंट्राडे के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट जो है कि इंट्राडे में जैसा दिन में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो इंट्राडे ट्रेडर वैसे ट्रेड कर लेते हैं डिपेंड ऑन लेवल। तो मैं 5 मिनट के ऊपर बताऊंगा। कल जैसे कि वीकली एक्सपायरी भी है तो हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे कि कल क्या लेवल हो सकते हैं, तो हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर जाते हैं, उसके बाद इंट्राडे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं 22 दिसंबर को, जो कि एक्सपायरी हो रहा है वीकली। कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में सपोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एटीएम के पास। अगर हम लोग एटीएम के पास यहाँ पे देखते हैं तो नजदीक वाला जो है कि ये है हायर ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हाईएस्ट है और चेंज इन ओपन बिड हाईएस्ट है, और वो लेवल है 18,300, 18,300। और थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं तो ये जो है कि 18,000, 18,000, ये यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट जो है कि कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है कंपेरेटिवली। तो कल का जो लेवल हो सकता है 18,000 और 18,300, ये लेवल हो सकता है मार्केट का सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो अगर ये ब्रेक होता तो और भी फर्दर ज्यादा मार्केट डाउन साइड होता तो पैनिक होगा, और अपसाइड होगा तो रिकवर भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों हम लोग 5 मिनट के ऊपर देखेंगे कि जो कि निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने जो है कि गैप अप होने के बाद ऊपर भी थोड़ा बहुत सस्टेन हुआ, लेकिन ये लेवल ब्रेक करने के बाद जो एक सपोर्ट था ब्रेक किया, यहाँ पे देखो ट्राई किया ऊपर गया, और प्रीवियस क्लोज के यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस किया, वो बहुत इंपॉर्टेंस है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन हुआ। लास्ट टाइम में कुछ रिकवरी का ये गया था बट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। तो मार्केट जो है कि यहाँ पे क्लियरली एक सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पहला हम लोग जो सेल करेंगे, आज का लोग ब्रेक होते ही 18,162 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 18,252 के ऊपर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि निफ्टी में अगर डाउन ट्रेड आया तो बैंक निफ्टी में आया है क्या। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 741 पॉइंट डाउन है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बहुत सारा डैमेज हुआ है, और बैंक निफ्टी ने तो क्लियर कट जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट था इसका 42,946 ए वाला लेवल, इसके नीचे क्लोज दिया है। तो ये क्लियर कट जो कि एक डाउन ट्रेंड का निशानी है। बट अगर कल 42,946 के ऊपर फिर से जाके क्लोज होता है तो यहाँ से थोड़ा एक रिकवरी का चांस होगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो उसके लिए आपको 2 दिन देखना चाहिए। कल अगर बैंक निफ्टी 42,364 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी का वो है 41,514। और अगर मार्केट 42,946 के ऊपर बैंक निफ्टी कवर होता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव समझ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए अगर हम लोग समझ दें कि बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो रहेगा 43,645 के ऊपर अगर जाता है तो ये हम लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव इस पे ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे कि मार्केट एक बार इतना डाउन जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि साइडवेज भी जाता है। तो कल एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी में कभी कभी मार्केट साइडवेज भी ट्रेड करता है, तो इमिडिएटली शॉर्ट जाने के पहले आपको लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे शॉर्ट जाना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर कि क्या लेवल हो सकते हैं। तो 5 मिनट्स में यहाँ पे देखिए तो लास्ट जो टाइम था वहाँ पे बहुत यहाँ पे मोमेंटम आया था बैंक निफ्टी में। 42,364 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। बाइंग के लिए जो है कि 42,946 के ऊपर अगर जाता है तो ये हम लोग बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का दिन जो कि बहुत ही मार्केट डाउन था, तो हमने जैसे कि ऐसे ऐसे बैंक आपको ये गया था रिकमेंड किया था, तो देखिए थोड़ा बहुत ऊपर गया था लेकिन इसका नीचे आ गया और ये डाउन में गया। लेकिन जो दूसरा हम लोग स्टॉक दिया था TCS, तो वो अच्छा अप साइड में ही यहाँ पे क्लोज हुआ। तो कल जैसे कि कोविड का जो न्यूज़ आया तो मोस्टली फार्मा स्टॉक और पैथोलॉजिकल जितने भी स्टॉक थे वो पॉजिटिव थे। तो फार्मा में एक मुझे अच्छा लगा कि हम लोग बाइंग साइड देख सकते हैं जो कि है सिप्ला। एक सपोर्ट लेवल से अच्छा रिकवरी किया है, 1,130 के ऊपर अगर जाता तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 1,145 का, पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है। हम लोग सेकंड टारगेट के लिए भी देख सकते हैं जो है कि 1,167 के लिए भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि मार्केट में नेगेटिविटी में
जैसे कि बहुत सारे बैंक्स भी यहाँ पे शामिल थे। कोटक बैंक्स जैसे कि इसने नियर लो ब्रेक किया है और थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव ये कर रहा है। 1806 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग इसको सेल के लिए देख सकते हैं। 1764 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। सेकंड जैसे कि SBI, तो SBI में भी देखिए कि ये जो डबल टॉप का एक पैटर्न बना है और इसने यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अगर 589 के नीचे अगर SBI जाता है तो 570 का टारगेट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल मार्केट ऐसे बिहेव करेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह के आप इसमें ट्रेड कीजिए, और आपको ऐसे ही मेरे पास साथ टेक्निकल ऐसे सीखना है तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले सैटरडे को हमारा फ्यूचर ऑप्शन का भी कोर्स आ रहा है, जो कि जहाँ पे मैं आपको फ्री वेबिनार में फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। जिसको भी इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।